हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में एडवर्टाइजिंग बजट, जो कि हमारा मेन टॉपिक चल रहा था। तो जो आज का वो सेशन है, आज का सेशन है बेस्ड ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग बजट साइज, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे बजट को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के सेशन में। सो लेट्स स्टार्ट एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। इसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बजट साइज, ठीक है। तो भाई, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट में इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं बात करूं बजट की, तो बजट क्या है? बजट, एडवर्टाइजिंग बजट इज एन एस्टिमेट टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग प्लान। यानी कि आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके जो भी एडवर्टाइजिंग प्लान है, आपके जो भी एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए आपने क्या करा, आपने बजट को एलोकेट किया, जो कि क्या है, एस्टिमेशन है आप टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि जो भी आपके एडवर्टाइजिंग के जो फंक्शंस हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए जितना भी फंड रिक्वायर्ड है, वो क्या है, आपकी एडवर्टाइजिंग बजट का है। यानी कि आप जो भी प्रमोशनल टेक्निक्स यूज कर रहे हो, जो भी प्रमोशनल आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके लिए आप जो बजट एलोकेट कर रहे हो, वो आपकी क्या है, एडवर्टाइजिंग बजट है, ठीक है। मेन टॉपिक जो है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग बजट। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एडवर्टाइजिंग बजट को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला स्टूडेंट, यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्टर है वो है साइज ऑफ द मार्केट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइज ऑफ मार्केट, यानी कि जो मार्केट का साइज है, ये क्या है, हमारे एडवर्टाइजिंग बजट को इफेक्ट करता है। अब आप देखेंगे, आप प्रमोशन कर रहे हो, प्रमोशन में आप ये देखोगे आपका टारगेट एरिया क्या है, आपके टारगेट कस्टमर कौन कौन से हैं, तो उनके बेसिस पे भी क्या है, आपकी बजटिंग क्या है, चेंज होती रहती है, ठीक है। अगर आपको आपका कोई नया प्रोडक्ट है, तो आपको हाई बजटिंग करनी पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा फंड रिक्वायर्ड होगा। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आपको लो फंड रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। उसमें भी हम बात कर रहे हैं मार्केट के बारे में, कि भाई आपका मार्केट कितना है, कितना बड़ा आपका मार्केट एरिया है, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, फिर बजटिंग करोगे। अगर आपका मार्केट एरिया ह्यूज है, बड़ा है, वास्ट एरिया है, तो उस केस में आप अलग अलग प्रमोशनल टेक्निक्स को यूज़ करोगे, तो वहाँ पे क्या है, फंड, ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन अगर आपका मार्केट एरिया छोटा है और लिमिटेड आपके कस्टमर्स हैं, तो वहाँ पे फंड रिक्वायरमेंट थोड़ी कम रहेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो फैक्टर्स अफेक्टिंग बजटिंग साइज में जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, मार्केट, यानी कि साइज ऑफ द मार्केट। उसमें भी हम ये देखते हैं कि भाई साइज ऑफ मार्केट में हमारे कस्टमर किस हिसाब के हैं, उनका क्या नेचर है, उनका डेमोग्राफिक, साइकोलॉजी, ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन, ये सारे फैक्टर हम कंसिडर करते हैं, जो कि हमारे क्या है, एडवर्टाइजिंग बजटिंग के पार्ट रहते हैं। क्योंकि इनसे हमारा, इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, टेक्निक्स को यूज करते हैं और फंड को एलोकेट करते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग बजटिंग में। तो फर्स्ट वन हमारा यही था, साइज ऑफ द मार्केट। सेकंड वन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सटेंट ऑफ मार्केट, ठीक है। अब वही आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आपने क्या करे, कुछ इनोवेटिव, कुछ न्यू फीचर ऐड करे, कुछ इनोवेटिव फीचर्स उसमें ऐड कर दिए, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप अपने मार्केट को एक्सटेंड कर रहे हो, ताकि आप और ज़्यादा कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सको, मोटिवेट कर सको और अपनी डिमांड क्रिएट कर सको, ठीक है। तो जो एक्सटेंट ऑफ मार्केट है, ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टू कंसिडर इन द एडवर्टाइजिंग बजट, ठीक है। तो जो बजटिंग का पार्ट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बजटिंग का पार्ट है, इसमें एक्सटेंट ऑफ मार्केट भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि आप कितना अपना मार्केट को और ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हो, और उस हिसाब से आपके कितने नए कस्टमर बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम क्या है, अपनी बजटिंग में कंसिडर करते हैं, जो कि सेकेंड है एक्सटेंट ऑफ मार्केट, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल हैं। तो जो कंपनी है वो ये भी आइडेंटिफाई करती है कि भाई अगर मैं एडवर्टाइजिंग बजटिंग कर रहा हूँ, तो उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, मेरे पास कितना फंड है। तो वही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ फाइनेंशियल रिसोर्सेज में, कि आपके पास किस टाइप के और कैसे कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी कि आपकी जो करंट फाइनेंशियल पोजीशन है वो है क्या है, आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, उसके हिसाब से फिर आप क्या कर सकते हो, अपने लिए एडवर्टाइजिंग बजटिंग करते हो। अगर किसी कंपनी के पास सफिशियंट फंड है, तो वो अलग अलग टेक्निक्स को यूज़
करके अपने प्रमोशनल स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकता है। लेकिन अगर किसी कंपनी के पास लिमिटेड फंड है, यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उसमें वो कंपनी जो भी उनके जो रिक्वायर्ड फंक्शंस होंगे उन्हीं को परफॉर्म करेगी। ठीक है, जो अलग वेरियस टेक्निक्स, जो और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं उनको वो फॉलो नहीं करेगी। यानी कि जो भी मेन ऑब्जेक्टिव है उसी के हिसाब से क्या है, फिर हम उन फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसी के हिसाब से फिर हम बजट को एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केट। ठीक है, अब एडवर्टाइजिंग का क्या रोल है मार्केट में, यह इंपॉर्टेंट फैक्टर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा वेरी करता है। आपको पता है मार्केट में अगर आपको कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना है तो एडवर्टाइजिंग क्या रोल प्ले करती है, किस तरीके से एडवर्टाइजिंग रोल प्ले करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ सेलेब्रिटीज़ होते हैं जो हमारे एडवर्टाइजिंग को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्लैब के जरिए या जो भी सेलेब्रिटीज़ हैं उनके जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो भी हमें प्रॉपर कंसीडर करनी होती हैं। तो वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केट, कि भाई आज के टाइम में आज की जो मार्केट है उसमें एडवर्टाइजिंग का क्या रोल है, किस तरीके से हम कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस तरीके से हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको विलिंगली परचेस करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि उनके बिहेवियर को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर भी हमारे बजटिंग का पार्ट है जो हमें कंसीडर करने होते हैं, और इन्हीं के हिसाब से हम बजट को एलोकेट करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव स्पेंडिंग, यानी कि मार्केट में आपके राइवल्स भी हैं, आपका प्रॉपर कॉम्पिटिशन है, आप चाहते हो आपके ब्रांड इमेज बनी रहे, आपके कस्टमर बने रहें, आपकी रेपुटेशन, आपकी गुडविल, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हम बात करें। उसके लिए भी हमें क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकें और मार्केट में कम्पीट करते हुए अपने राइवल्स को लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करके रह सकें। ठीक है, तो जो कुछ कॉम्पिटिटिव आप कुछ एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे वो फैक्टर भी कंसीडर करते हैं, किसमें, एडवर्टाइजिंग बजटिंग में। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव स्पेंडिंग। जैसे कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम कर रही है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसी को, या फिर कंपनी ने क्या करा किसी सेलिब्रिटी के जरिए ऐड करवाई, तो ठीक है, तो वहाँ पे हमें हाई पे करना पड़ता है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं। या फिर मार्केट में आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पीट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो और उसको अडॉप्ट कर रहे हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को आप इन्फ्लुएंस कर सको, उनके बिहेवियर को चेंज कर सको। तो ये सारे क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अगर एक नई 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 टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो तो आपने देखा होगा अगर कोई नया मोबाइल नए फीचर के साथ कोई नई सीरीज आती है या कोई नया फोन आता है तो कस्टमर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यही क्या है, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने की स्ट्रेटजीज होती हैं। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, न्यू आइडियाज जनरेट करते हैं जो दूसरों से टोटली डिफरेंट है, और वो आइडिया वो अपनी एंटरप्राइज में अप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर मिलता है और वहाँ उन्हें थोड़ा उसके लिए स्पेंड भी करना पड़ता है। तो वो क्या है, वो भी एक पार्ट है बजटिंग का। और उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग दिखे, टोटली अलग दिखे, तो इसके लिए आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हो। चाहे आपने उसमें बहुत सारे चेंजेस किए, आपने उनकी पैकेजिंग चेंज कर दी, आपने उनकी लुक वाइज उसको चेंज कर दिया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, या फिर आपने उनके क्या है एग्जिस्टिंग उनमें जो भी प्रोडक्ट है उनके फीचर्स को चेंज करा, तो ये सारी चीज़ें क्या है, फैक्टर्स, आप किसका पार्ट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बजट साइज। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे थे किसकी, साइज ऑफ द मार्केट, एक्सटेंट ऑफ मार्केट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केट, कॉम्पिटिटिव स्पेंडिंग और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो ये सारे क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बजट साइज। ठीक है, तो उससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे एडवर्टाइजिंग बजटिंग की, तो इसको देख लेते हैं। एडवर्टाइजिंग बजट इज एन एस्टिमेट टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, मींस टू से वट एवर रिसोर्सेज, वट आर द रिक्वायरमेंट्स यू हैव विच आर रिलेटेड टू योर प्रमोशनल टेक्निक्स दैट मस्ट बी कंसिडर एंड यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू एलोकेट द बजट फॉर द मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो सेम चीज यहाँ पे मैंशन की गई है, एडवर्टाइजिंग बजट इज एन एस्टिमेट टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग प्लान।
In the different way, we can say that about it. Advertising is an expression of expenditure. Means to say, आपके जो भी जितने भी आपके पास एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, उन सब चीज़ों को आप अपने एडवर्टाइजिंग बजट में कंसीडर कर रहे हो, ताकि फाइनली आप जाके एक प्रॉपर बजट को फॉर्म कर सको. नेक्स्ट वन इज बजट डिसीजंस एक्सप्लेन प्लान एंड स्ट्रेटेजी. मीन्स टू से वट एवर प्लान यू आर गोइंग टू बी डिस्कस एंड यू हैव वट एवर स्ट्रेटेजी यू आर गोइंग टू बी फॉर्मुलेट, फॉर दैट यू हैव टू एलोकेट द रिसोर्सेज. तो आप उन रिसोर्सेज को एलोकेट करोगे, जो भी आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो वो भी क्या है, आपके बजटिंग का ही पार्ट रहेंगे. नेक्स्ट वन है बजटिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट. अगर हम बजटिंग की बात कर रहे हैं, तो बजटिंग क्या है, एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट है. जैसे कि एक सेल्स मैनेजर है, तो जो सेल्स मैनेजर है वो क्या करेगा, बजट को प्रॉपरली, जो भी बजट है उसका प्लान प्रॉपर प्रोसीजर बनाएगा, और जो भी रिक्वायर्ड एक्टिविटीज है उनको एक स्ट्रक्चराइज फॉर्म में शो करेगा, ताकि हमें ये पता चले कि भाई किस किस एक्टिविटी के लिए कितना कितना फंड रिक्वायर्ड रहेगा. तो वो भी क्या है, हमारी एडवर्टाइजिंग बजटिंग का ही पार्ट है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बजटिंग रिक्वायर टॉप लेवल डिसीजंस एंड बजटिंग इज अ एलोकेशन ऑफ फंड इन वेरियस फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड बाय द एडवर्टाइजिंग मैनेजर और सेल्स मैनेजर. ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया एडवर्टाइजिंग बजट के बारे में, और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग बजट. तो फैक्टर कौन कौन से हैं, साइज ऑफ द मार्केट, यानी कि जो मार्केट का साइज है ये भी हमें अफेक्ट करता है. तो जो हमारी बजटिंग है उसमें हम जो पॉइंट कंसिडर करते हैं, साइज ऑफ द मार्केट है, एक्सटेंशन ऑफ द मार्केट है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, यानी कि आप कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास हैं, यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ, आपकी क्या फाइनेंशियल पोजिशन है, ये चीज़ भी कंसिडर की जाती है, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केट, कॉम्पिटिटिव स्पेंडिंग, और लास्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि आप कितना अपने आप को डिफरेंट शो करना चाहते हो फॉर योर कस्टमर. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ते हैं जब भी हम एडवर्टाइजिंग बजटिंग की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच.